हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पल्सर 150 UG 4 BS3, इसका साइड पैनल का रबर ख़राब हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा इरिटेटिंग साउंड कर रहा है ये। इसको आज चेंज करने वाले हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए आपको पहले फ्रंट ये वाला हिस्सा आपको आगे खींचना पड़ेगा। बस ये खुलने के बाद आपको हल्का सा सामने करना पड़ेगा तो ये निकल जाएगा। ये देखिए इसका रबर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसका रबर कहीं गिर गया है। और फ्रंट वाला रबर अभी मैं ये चेंज करूँगा क्योंकि इसका पूरा किट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका किट 36DH1601, ये पल्सर के ऑल मॉडल में लग जाएगा। जितने भी पल्सर 150 है अभी तक सब में लग जाएगा, 180, 220 सब में लग जाएगा ये। ये देख सकते हैं इसमें दो रबर होते हैं, ये रियर वाले और दो रबर फ्रंट वाले, और एक्स्ट्रा दो रबर ये काउल के होते हैं जो काउल में लगते हैं। तो काउल का तो मैंने चेक कर दिया था, अच्छी रबर है। और अगर आपको काउल का भी चेंज करना है तो ये सब ओपन करना पड़ेगा आपको। यहाँ से दो बोल्ट ये पूरा ओपन करके फिर चेंज करना पड़ेगा। और वो रबर रहते कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, सीट ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस साइड में होते हैं वो रबर, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो देखिए ये है वो रबर, इस साइड में एक होता है और इस साइड में एक होता है। ये तो पूरा अच्छा ही है तो इसलिए मैं ये चेंज करने वाला आपको दिखा देता हूँ चेंज करके। तो गाइस मैंने इसको ओपन कर दिया, देखिए कुछ ऐसा रबर होता है ये। ये देखिए ये कुछ इस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा। उसके पहले मैं ग्रीस लगा लेता हूँ ताकि रबर अच्छा रहे, लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रहे। और इसको ये ऐसा लगा रहा है, मैं लगा लेता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह लगेगा ये। और फ्रंट का भी दिखा देता हूँ आपको, फ्रंट में भी मैं हल्का सा ग्रीस लगा लेता हूँ और ये इस टाइप में लगेगा ये। इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर भी लग सकता है, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको पहले। ये देखिएगा इस तरफ से लगेगा ये कुछ। ये देखिए लग गया है, ये प्रॉपर लग गया है पूरा। अभी मैं आपको साइड पैनल लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप राइट साइड का दिखाता हूँ। ये देखिए अभी कुछ भी साउंड नहीं आएगा, एकदम प्रॉपर है। राइट साइड का भी दिखा देता हूँ आपको। राइट साइड का भी सेम प्रोसीजर रहेगा आपको, ये ओपन कर लेना और इसको हल्का सा आगे खींचना है। और ये देखिए उसके बाद आपको इसको आगे करना है, ये आराम से निकल जाएगा। और ये रबर का कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ, एक साइड का है ये देखिए पूरा फट चुका है ये। इसको भी निकाल देता हूँ, निकालना काफ़ी ईजी है। और लगाने से पहले आप क्लीन कर लीजिए जगह तो अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने निकाल दिया और न्यू रबर का कंडीशन में आपको दिखाया। उसके पहले आपको यहाँ ग्रीस लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा रहे, रबर ख़राब ना हो जल्दी। ये देखिए ये ऐसा कुछ है ये रबर, इसको मैं अभी फिट कर देता हूँ आपको। पहले ये नीचे से आपको फिट करना पड़ेगा और ऐसा ऊपर कर दीजिए और पीछे प्रेस कर दीजिए तो ये आराम से फिट हो जाएगा। देखिए और फ्रंट वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस पर भी हल्का सा मैंने ग्रीस लगा दिया है। पहले आपको ऐसा ट्विस्ट करना पड़ेगा। देखिए एक हाथ से ही हो जाएगा, ये ऐसा रहता है। रबर काफ़ी सॉफ्ट रहता है न्यू, देख सकते हैं। ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। इसके लिए भी सेम रहेगा, मैं लगा के भी आपको दिखा देता हूँ साइड पैनल। ये देखिए इस साइड में आपको वो अटैच करना पड़ेगा। राइट साइड का थोड़ा ट्रिकी रहता है, देखिए लग चुका है। पीछे करने के बाद आपको इसको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, ये देखिए। और इसको ये ऐसा करके ये फिट हो चुका है, देख सकते हैं। अभी कोई भी इसमें वाइब्रेशन वाइब्रेशन कुछ नहीं आएगा अभी इसमें। ये देखिए इसका पार्ट नंबर फिर से आपको दिखा देता हूँ, या आप लेके रख लीजिए, जल्दी मिलता नहीं है ये। 36DH1601 गवर्नमेंट किट फॉर साइड पैनल है ये। 29 रुपीज़ इसकी प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस है। और ये आप ये छोटी छोटी चीज़ें लेके रख दीजिए, बाद में कभी मिलता नहीं है ये, जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये एक पैकेट और एक्स्ट्रा का लेके रख दिया हूँ। ये कुछ साल भर में ये ख़राब हो जाता है रबर,
और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए बढ़िया बढ़िया पल्सर मॉडिफिकेशन एंड डिपेंडेंट वीडियोस के लिए। पल्सर मॉडिफिकेशन के ऊपर धीरे धीरे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।